श्रोमणी अकाली दल ने एक होर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। सुखबीर सिंह बादल समराला हलके तो परमजीत सिंह ढिल्लों श्रोमणी अकाली दल का उम्मीदवार ऐलान आए ने। दस दिए उम्मीदवार वजो इन्हों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। परमजीत सिंह ढिल्लों समराला तो कांग्रेसी विधायक अमरीक सिंह ढिल्लों के रिश्तेदार भी दसे जाते हैं। दोहां अगुआ के विचकार कड़ी टक्कर हो सकती है। श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल अपने 100 दिन के दौरे से निकले हुए हैं। इसे के चलद हलका समराला के माछीवाड़ा साहब के इतिहासिक गुरद्वारा साहब के नतमस्तक भी हुए। कई प्रोग्राम शिरकत भी करेंगे। इधर पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत के सुर कुछ बदले बदले नजर आते ने। प्रगट सिंह वालों सवाल किया गया कि हरीश रावत कौन होंगे ने उम्मीदवार ऐलान सीएम चेहरा ऐलान रावत का बयान उस बाद आता है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी की अगुवाई के चोणा लड़िया जाएगियां। पंजाब भी कई नामी चेहरे ने हरीश रावत ने यह भी कहा कि मैं कौन हाँ ये चंगी तरह जानते हैं। वो जानते हैं कि मैं कौन हूँ। वो मुझे अपनी पार्टी वालों से टेलीविजन पर संवाद नहीं करना है, लेकिन मोटे तौर पर जो है हमारे जो राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं तीनों वो तो हैं ही हैं, और उसके साथ जो स्थानीय व्यक्तित्व हैं पंजाब के उन सबको भी जोड़ेंगे और सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे, 2022 जीता जा सके। जब मैं सिद्धू जी की तारीफ कर रहा था तो कई लोग यही बातें उस समय भी मुझसे कह रहे थे, और आज यदि जहाँ तक फेस का सवाल है, बिल्कुल साफ सी बात है कांग्रेस के अंदर लोग सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे पास अखिल भारतीय फेस हैं, और जो स्थानीय फेस भी हैं उनमें कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं, नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं, और खुद प्रगट सिंह जी जो हैं वो भी एक फेस हैं, वो हॉकी के कैप्टन हैं हमारे, हम उनको भी आगे रखेंगे, और बहुत सारे लोग हैं उनको आगे रखेंगे। उसमें थोड़ा सा जल्दी विचलित होने की किसी को आवश्यकता नहीं है। हाँ, और मैं समझता हूँ कि मुझे क्या कहना है, किस समय क्या कहना है, किस समय क्या करना है।